Now children, come to the exercise 3.9 and see the question number 1. Question number 1 is saying 4513 plus 2167 plus 1259. Children, for this type of question, आप ऐसे question को कैसे solve करोगे? यहाँ पर आप देखिए plus का sign है ना, यहाँ पर भी plus का sign है. तो ये सारे sign कैसे हैं? Plus के हैं. यहाँ पर कोई sign नहीं है. तो यहाँ पर जब कोई sign नहीं है तो क्या होता है? हम यहाँ पर इसे positive लेते हैं. कभी भी आपको किसी नंबर के आगे कोई साइन ना मिले तो आप समझना कि वो कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है. ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज यहाँ पर तीनों नंबर हमारे सेम साइन, सो हम क्या करेंगे, इनको ऐड, सब नंबर्स को क्या करेंगे, ऐड. तो सब नंबर को आप इस तरह से भी ऐड कर सकते हो, जैसे हम थ्री डिजिट्स के नंबर को ऐड करते थे 2167 एंड देन 1259, सारे पॉजिटिव साइन के साथ है तो हम तीनों को एक साथ भी ऐड कर सकते हैं. राइट, ये एकदम इजी है. 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 9 19, अगेन 6 7 8, 8 प्लस 5 कर देंगे, 8 प्लस 5 13 हो जाएगा आपका. राइट, ये हो जाएगा 5 6 7 8 9, 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7. क्लियर, इस तरह से आंसर आ जाएगा इसका क्या, 7939. इतना सबको क्लियर हो गया होगा. यहाँ पर आपको क्वेश्चन 1357 करने हैं अपनी होमवर्क नोटबुक में. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है 2493 5234. जब आपको मिक्स्ड क्वेश्चन मिले, जब आपको साइन मिक्स्ड मिले, प्लस भी मिले माइनस भी मिले, मिक्स्ड साइन मिले, तब आप क्या करना, सबसे पहले प्लस वाले नंबर्स को ऐड करना. मैंने बोला था जिस नंबर के आगे कोई साइन नहीं होता वो कैसा होता है, प्लस का होता है. ठीक है, ये आपके क्या है, प्लस के हैं, ये सब आपके क्या है, प्लस के हैं. तो आप ऐसी कंडीशन में जब आपको दोनों साइन मिले किसी क्वेश्चन में, तो आप सबसे पहले प्लस वाले नंबर को ऐड करना. एक तो आपका प्लस का ये है और आपका एक ये है, तो आप इनको सबसे पहले ऐड करो 5234, देन आपका है 2493. सबसे पहले आप इनको ऐड करो और जो इसका आंसर आ जाए, जो भी आपका आंसर आए, उस नंबर से इस नंबर को माइनस करा दो. ठीक है, 4 प्लस 3 7, 9 प्लस 3 12, 4 प्लस 2 617 एंड 5 प्लस 2 7. ठीक है, ये आ गया. अब आप इससे क्या कराओगे, माइनस किसके करा दोगे, 7 7 2 2 7 में आपको माइनस कराना है 3 4 2 7, और जो यहाँ पर आपको आंसर मिलेगा वो आपका करेक्ट और राइट आंसर होने वाला है. ठीक है, ये जो आपका आंसर होगा ये आपका फाइनल आंसर होगा. कौन सा आंसर होगा, ये फाइनल आंसर होगा. ये आपका फाइनल आंसर नहीं है क्योंकि यहाँ पर अभी हमने सिर्फ दो नंबर्स को ऐड किया है. इनको ऐड करके जो हमें रिजल्ट मिला है, उस रिजल्ट के साथ हम जब थर्ड नंबर को माइनस कराएंगे तब हमें क्या मिलेगा, आपका फाइनल आंसर. राइट, इस तरह से सॉल्व करना है. अगेन क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, अब आप देखिए ये वाला नंबर प्लस का है, ये नंबर प्लस का है, इन्हें आप ऐड करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी उससे आप इस नंबर को क्या करा दोगे, माइनस, आपको आंसर मिल जाएगा. ठीक है, फाइनल आंसर आपका पूरे डिजिट्स को प्लस माइनस करके सॉल्व करके ही मिलेगा. ठीक है, ये नहीं कि आप इन दोनों को ऐड किया, इससे सबट्रैक्ट नहीं कराया और आपने आंसर लिख दिया, नहीं, आपको इन दोनों को ऐड करना है, जो आंसर आए उससे इस वाले नंबर को माइनस करना है. क्यों? क्योंकि इसके पास कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, फिर आपको यहाँ पर फाइनल आंसर लिखना है. सेम प्रोसेस आपको क्वेश्चन नंबर 7 में करना है, इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, सेम साइन के साथ है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और जो भी आंसर आए उससे आपको इसे सब्ट्रैक्ट कराना है, देन आपको यहाँ पर क्या लिखना है, फाइनल आंसर लिखना है. Clear everyone? Now start doing this work in your homework notebook. Thank you for watching.